जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो, आजकल 23 आज से ही यहाँ पे सेल आउट हुई है। तो आज हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे आपके गैलेक्सी सैमसंग गैलेक्सी M33 5G मोबाइल का। क्या 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 इसमें इसकी फैसिलिटी है, क्या इसके प्रोस होंगे, कौनसे होंगे, वो सब इस वीडियो में हम यहाँ पे जानेंगे और ये मोबाइल आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल ध्यानी, एक सारी पर्सन और मेरे यूट्यूब चैनल टेक वेब में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करूँगा, यहाँ पे हमने मोबाइल अमेजोन से मंगाया यहाँ पे, और इसकी जो पैकिंग थी यहाँ पे जो सेलर से इसकी पैकिंग थी, तो वो पैकिंग सही नहीं थी, वो साइड से ओपन था। हालांकि जो इसकी पैकिंग थी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ की जो पैकिंग थी यहाँ पे ये बिल्कुल सही थी, यहाँ पे जो मोबाइल की पैकिंग थी, पर जो बाहर से इसका कवर था वो पैकिंग सही नहीं थी। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे गैलेक्सी 33 M33 5G मोबाइल के बारे में। तो ये बॉक्स यहाँ पे आ जाता है आपके पास, और जब आप इसके रेट देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसके रेट ये 25,999 यहाँ पे रेट इसका दिया गया है। तो इस जो मोबाइल है उसके साथ आपको यहाँ पे क्या क्या मिला, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये मोबाइल यहाँ पे मिला, इसमें जो 5G मोबाइल है यहाँ पे, और उसके साथ आपको यहाँ पे इसकी जो केबल है, ये वाली केबल टाइप सी केबल है, दोनों साइड से टाइप सी है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। इसके साथ ये जो चार्जर है आपका 25 वाट का, ये चार्जर इसके साथ नहीं आया, ये चार्जर हमने अलग से लिया है, बाकी इसमें बॉक्स में कुछ भी यहाँ पे नहीं है। चार्जर जो हमने अलग से लिया, तो ये 1234 रुपये का चार्जर हमें पड़ा हुआ है। और इसकी जो हम यहाँ पे MRP चेक करेंगे, तो MRP आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप, 1699 टाइप की यहाँ पे 1699 यहाँ पे रेट है चार्जर का। दोस्तों इस बॉक्स के साथ आपको मोबाइल और इसका जो सी टाइप का जो चार्जर है वो आपको मिलेगा, जैसे मैंने पहले बताया आपको। और ये आपका जो 25 वाट का चार्जर है वो आपको कहाँ मिलेगा, आपको अलग से लेना पड़ेगा 1234 रुपये का, और उसका प्रिंट रेट जो है आपका 1699 यहाँ पे आप अगेन देख पा रहे होंगे 1699। मोबाइल जो मैं इसका रेट दिखा रहा हूँ आपको, ये जो आपका यहाँ पे 2599 जो इसका रेट है, पर अमेजोन पे अभी सेल चल रहा है और वैसे ही आपको 16,000 का मिलेगा, और जब सेल से आपको SBI कार्ड से आपको डिस्काउंट करके ये आपको करीब 14,500 का, आपको 13,500 का मोबाइल और 1200 का ये आपका 25 वाट का चार्जर इसके साथ मिल जाएगा। तो टोटल आपको 1450 और 1500 तक आपको ये मोबाइल यहाँ पे पड़ जाएगा, ठीक है। इस मोबाइल में क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटी है वो हम यहाँ पे देख लेंगे। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M33 5G के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो यहाँ पे फ्लिपकार्ट या अमेजोन वगैरह में सेल आ रही हैं, तो आप ये ना सोचें कि सेल आ रही है तो मैं आपका मोबाइल ले लूँ या सामान ले लूँ। जब आपको रिक्वायरमेंट हो तभी आप सामान लें, विदाउट रिक्वायरमेंट आप सामान न लें, ठीक है। क्योंकि सेल सुन के आप क्या सोचते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिलेगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको ज़्यादा ही सस्ता मिल जाएगा और चीज़ आपको फ्री में मिल जाए, ये तो आपको होने वाला नहीं है। तो अगर आपको चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो तभी लें। तो चलिए हम वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी M33 5G। पहले मैं आपको कंपेरिजन यहाँ पर दिखा देता हूँ कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन में इसके रेट का डिफरेंस यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैं आपको यहाँ पर रेट जो दिखा रहा हूँ, आपको 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज की बात करूंगा। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं पहले अमेजोन के ऊपर। अमेजोन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 8 GB प्लस 128 GB इसका इंटरनल मेमोरी है, वो आपको यहाँ पे जो रेट दिखाई दे रहा है 15,999, ठीक है। और जो यहाँ पे आप इसके रेट देख पा रहे होंगे MRP 25,999, वो एक्चुअली इसके जो प्रिंट रेट है जो इसके बॉक्स पे है वो इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 GB के आपको 15,999 है, पर इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्या होगा, अगर आप अपना कोई मोबाइल एक्सचेंज करेंगे तो उसके ऑफ़र यहाँ पे दिखाई
दे देंगे आपको सेव अप टू 14,000 दिखा रहा है इसमें। जब आप इसमें अपना आपका जो ओल्ड फ़ोन होगा वो डालोगे तो ये 2,000-2,500 से ज़्यादा आपको इसमें दिखाएगा नहीं। ये आपको रेट यहाँ 15,999 दिखा रहा है। जब आप इसमें आपका SBI कार्ड अगर आपके पास है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, उसके ऊपर अगर आप यहाँ पे लेते हो और EMI के ऊपर प्लस आप लेते हो तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको इसमें 2,000-2,500 की आपको यहाँ पे छूट मिलेगी। तो ये मोबाइल 16,000 का पड़ रहा है तो आपको ये 14,000 का यहाँ पे 13,500 का करीब पड़ जाएगा। पर इसमें क्या, इसके साथ यहाँ पे आपका चार्जर नहीं आता है, 25 वाट सपोर्ट करता है, तो आपको एक्सटर्नली कहीं से लेना पड़ेगा या आपके ऑफलाइन शॉप में जाके ले सकते हैं या ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। ये आपका रेट देख पा रहे हैं आप 15,999, ये आपका अभी आपने यहाँ पे डिस्काउंट नहीं लगाया तो ये रेट है यहाँ पे 8GB प्लस 128GB अमेजोन पे। अब चलते हैं फ्लिपकार्ट पे, फ्लिपकार्ट पे इसका रेट में आपको तो इसके रेट यहाँ पे 17,500 है और ये आपको ऑफर ऊपर लगा के 16,000 का पड़ेगा, ठीक है। जबकि जब अमेजोन पे हम देखेंगे तो अमेजोन पे आपको 16,000 में तो वैसे पड़ रहा ऑफर लगा के आपको 13,500 और 14,000 के बीच में ये पड़ेगा। तो यहाँ आपको ये पड़ रहा है 13,500 या 14,000 का यहाँ पड़ेगा और यहाँ आपको ये आपका लो वैल्यू जो लो रेट है इसका 16,000 है, तो 2,000 का इसमें डिफरेंस है। तो आप देख लीजिए आपको ज़्यादा रेट में लेना है या कम रेट में मोबाइल लेना है। अब इसके फीचर की बात यहाँ पे आ जाते हैं, इसके क्या क्या फीचर यहाँ पे हैं। सबसे पहले इसकी स्क्रीन की हम यहाँ पे बात करेंगे। जो इसकी स्क्रीन है यहाँ पे वो आपकी 6.6 की यहाँ पे इंच की यहाँ पे आपको स्क्रीन यहाँ पे दे रखी है और ठीक है यहाँ पे आपकी ये स्क्रीन है LCD फुल HD LCD है इसमें, फुल HD है और AMOLED की जो स्क्रीन होती है वो इसमें नहीं आपको मिल पाएगी। इस स्क्रीन का जो रिफ्रेश रेट है वो 128Hz का इसका रिफ्रेश रेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसकी रैम की और इंटरनल मेमोरी की बात करें तो जैसे आप यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे तो बैटरी एंड डिवाइस केयर यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्टोरेज, जो इसका स्टोरेज है 128GB, ऊपर देख पा रहे हैं 128GB और जो इसका रैम है वो 8GB यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और इसमें वर्चुअल मेमोरी का रैम का अपग्रेड के लिए अगर आपने 8GB वाला मोबाइल ले रखा है 128GB स्टोरेज का तो उसमें आपका वर्चुअल 8GB प्लस हो जाएगा, मतलब 8×16 16GB का आपका रैम हो जाएगा इसमें। और 6GB का लोगे आप तो 6×12 12GB का आपका रैम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब OS की हम यहाँ पे बात करें, कौन सा OS इसमें है। अबाउट फोन में जाके सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में हम जाएंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे आपका One UI वर्जन 4.1 है, ठीक है। जब आप मोबाइल लेंगे तो उसमें आपको One UI वर्जन 4 मिलेगा अब इसमें आपको और Android वर्जन 12 मिलेगा, ठीक है। तो आपने जैसे ही आप मोबाइल लेते हो ऑन करने के बाद उसको अपग्रेड आपने करना है यहाँ पे, ठीक है। अपग्रेड करने पर ये देख लीजिए तो One UI वर्जन 4 था यहाँ पे तो 4.1 हो गया जैसे मैंने इसको अपग्रेड किया। तो आपने ऐसे ही करना है क्योंकि मोबाइल कब बना, उसका मैन्युफैक्चरिंग कब होता है, आपके पास कब पहुँचता है, तो आपने उसके साथ इसको तुरंत इसका जो सॉफ्टवेयर होगा उसको अपग्रेड करना है, ठीक है। ये बैटरी की इसकी बात करें तो आपका 6000mAh की इसकी बैटरी यहाँ पे आपको मिल जाती है जो अप्रोक्स आपका यहाँ पे दो दिन करीब डेढ़ दिन तो आपको यहाँ पे कवर करेगी। प्रोसेसर की बात करें यहाँ पे, जो इसका प्रोसेसर यहाँ पे यूज़ किया जाता है इसमें प्रोसेसर वो आपका एक्सनोस का 1280 का इसमें 2.4 GHz 5 nm ऑक्टा कोर है इसमें और साथ में आपको क्योंकि 5G मोबाइल है तो विद इसमें 12 बैंड सपोर्ट करते हैं 5G के, तो आपको ट्रू 5G इसमें देखने को मिलेगा। वेट की अगर बात करें तो इसका जो वेट है यहाँ पे
215 ग्राम इसका यहाँ पे वेट है, ठीक है। और वारंटी की जैसे यहाँ पे बात करें तो वारंटी आपका 1 ईयर इसमें मैन्युफैक्चरिंग आपको वारंटी दी गई है। और सैमसंग इसमें क्लेम करता है कि पावर कूल टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो स्क्रीन का जैसे मैंने बताया 6.6 इंच की इसकी स्क्रीन है और इस रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ का इसका रिफ्रेश रेट है। और इसका जो स्क्रीन है वो गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन इसमें दिया गया है आपके स्क्रीन को सेफ रखने के लिए, ठीक है। अब मैं कैमरे की बात करूं आपको इसमें, तो कैमरा इसमें आपको ये कैमरा देख पा रहे हैं आप, कैमरा इसमें 50 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा आपको यहां पे दिया गया है। 50 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा है। और सेल्फी कैमरे की इसमें बात करें तो सेल्फी कैमरा इसका आपका 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जो कि आपका बहुत ही कम है। और करंट से कम 5G मोबाइल है और रेट के हिसाब से इसमें 16 MP का इसमें मेगापिक्सल का इसमें होना चाहिए था आपका सेल्फी कैमरा, ठीक है। रिकॉर्डिंग की बात करें तो इसमें रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है आपका, ठीक है, उसको बोला जाता है यहाँ पे TNR, टेम्पोरल नॉइस रिडक्शन होता है कि जब आप रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे वॉइस, तो जो आसपास की जो वॉइस होगी उसको ये क्या करेगा यहाँ पे कैंसिल करके आपको अच्छी रिकॉर्डिंग यहाँ पे देगा। अब इसमें सिक्योरिटी होता है, इसमें नॉक सिक्योरिटी इसमें होती है, तो नॉक सिक्योरिटी यहाँ पे देख लेते हैं। नॉक सिक्योरिटी का जैसे आप मेमोरी में यहाँ पे जाएंगे, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप नॉक्स वर्जन है, इसमें नॉक्स का 3.8 का इसमें वर्जन है यहाँ पे। तो नॉक्स सिक्योरिटी आपके मोबाइल की यहाँ पे सैमसंग द्वारा आपके मोबाइल को ये सिक्योरिटी दी जाती है नॉक्स सिक्योरिटी का। साइड फिंगर प्रिंट सेंसर इसमें दिया गया है, साइड फिंगर प्रिंट सेंसर यहाँ पे इसके राइट आपके राइट साइड में दिया गया और लेफ्ट साइड में आपके स्लॉट, लेफ्ट साइड में इसके स्लॉट दिए गए हैं जो SIM 1, SIM 2 और मेमोरी कार्ड लगाने के लिए यहाँ पे दे रखा है आपका स्लॉट। और कनेक्टर जो इसमें है आपका आपके हेडफोन और एयरफोन लगाने के लिए, वो कनेक्टर आपको यहाँ पे 3.5 mm का जैक यहाँ पे दे रखा है आपके मोबाइल के लिए। सॉफ्टवेयर अपग्रेड की बात करें तो इसमें दो साल के आपको यहाँ पे OS अपडेट का मिलेगा आपको, और 4 साल का आपको सिक्योरिटी अपडेट इसमें दे दिया गया है। बाकी मोबाइल में आप चेक करेंगे तो इतना आपको 2 साल का OS अपग्रेड नहीं मिलेगा, कम से कम 1 साल का ही मिलता है, ठीक है। तो बॉक्स के साथ आपको क्या क्या मिला था, इसमें फ़ोन मिला था, इजेक्शन पिन मिली थी बॉक्स के साथ, फ़ोन, इजेक्शन पिन और डाटा केबल थी इसके साथ, USB टाइप थी वो C2C थी, ठीक है। और आपका क्विक स्टार्ट गाइड यूज़र मैनुअल यहाँ पे था। तो अब आपको ये फ़ोन क्यों लेना चाहिए और क्यों ये फ़ोन नहीं लेना चाहिए, तो हम इस बारे में जानते हैं। ये फ़ोन आपको क्यों लेना चाहिए, क्योंकि एक जो ट्रस्टेड जो कंपनी आपकी सैमसंग और एप्पल के बाद ये इसका नंबर दूसरे पे आता है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, तो इसका ट्रस्टेड आपका सैमसंग से कंपनी है, तो इस ट्रस्ट के ऊपर आप ये मोबाइल ले सकते हैं, ठीक है। साथ में इसकी 6000 mAh की बैटरी यहाँ पे दी गई है, जो इसकी एक अच्छी चीज़ है, तो उससे आपका करीब डेढ़ दिन तक आपको मोबाइल को चार्ज करना नहीं पड़ेगा। और साथ में इसका जो प्रोसेसर है आपका वो 5 नैनोमीटर प्रोसेसर के साथ आता है, जो आपको स्मूथली रन करने में आपके वर्क करने में यहाँ पे हेल्प करेगा आपको, ठीक है। साथ में जो 5G बैंड की बात करें तो 12 बैंड यहाँ पे सपोर्ट करता है ये, ठीक है, ये भी इसकी अच्छी बात है।
और इस फ़ोन को हमें क्यों नहीं लेना चाहिए, तो वो सबसे इसमें इसका जो सेल्फ़ी कैमरा है, अगर आप से कैमरे से सेल्फ़ी कैमरे के फ़ोटो खींचने के ज़्यादा इच्छुक हैं तो उस ये कैमरा आप ये मोबाइल आपके लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसकी जो सेल्फ़ी कैमरे की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का इसका सेल्फ़ी कैमरा है, अप्रोक्स 16 मेगापिक्सल का इसका सेल्फ़ी कैमरा यहाँ पे होना चाहिए था। बाकी तो इस मोबाइल में मेरे को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगी जो आप इस मोबाइल को न लें, पर ध्यान रखें कि 5G के रेट 4G के मुकाबले ज़्यादा ही होंगे। अगर आपको आपके यहाँ 5G का नेटवर्क आपको लगता है कि अभी बहुत टाइम लगेगा 5G नेटवर्क आने में, तो आप 5G पे ज़्यादा खर्च ना करते हुए 4G मोबाइल ही लें, और ताकि आपके पैसे बचें, क्योंकि कंपेरिजन करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या होगा, आपको 4G के रेट कम ही मिलेंगे, 5G के आपके रेट ज़्यादा होंगे मोबाइल के। दूसरी मैं चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि इस मोबाइल सैमसंग के मोबाइल सैमसंग में सबसे बेकार बात इन्होंने कर दी, इसके साथ इन्होंने चार्जर नहीं दे रहे हैं, तो आपको एक्सटर्नली जो चार्जर होंगे 25 वाट या 15 वाट का अलग से यहाँ पे लेना पड़ेगा। सैमसंग का कहना है यहाँ पे कि हम पर्यावरण को बचा रहे हैं, पर पर्यावरण कैसे बचा रहे हैं, क्योंकि जब हम मोबाइल लेंगे तो चार्जर हम कहीं ना कहीं से और से हमने मंगाना पड़ेगा, ऑनलाइन मंगाएंगे या ऑफलाइन, ऑफलाइन भी जाएंगे तो आपको दुकान तक जाने के लिए पेट्रोल वगैरह गाड़ी से जाना पड़ेगा, तो भी आप पेट्रोल खर्च करेंगे, तो वो भी आपके इन्वायरमेंट पे आपके पर्यावरण पर गलत इफेक्ट डालेगा, और जब आप ऑनलाइन मंगाएंगे तो वो आपके घर तक आएगा, तो वो भी पैदल चल के तो आएगा नहीं, वो पेट्रोल गाड़ी से ही आएगा, तो उसमें भी आपका पर्यावरण को क्षति होगी। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि पर्यावरण कैसे बचा रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो मोबाइल है बहुत ही अच्छा मोबाइल लगा मेरे को, अभी तक 1 हफ्ते मेरे को हो गया इसको यूज़ करते हुए, तो अभी तक इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है ऐसे, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे ले सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।